राइडिंग ऑन दिघा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर। तो भैया वेलकम बैक टू द चैनल, और एक बार फिर से आपका दोस्त साहेब आपके साथ है। दिल घबराता है क्या आप लोग? अभी मेरा बहुत घबराता है जब मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ तो। और अगर हम लोग के बीच में डेली बातचीत होती रहती है, आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अलग सी बात है कि उस पर सभी पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने को आपको दिल चाह रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। और जब वहाँ पर पहुँचा तो ज़बरदस्त वाला एहसास हुआ यार। बहुत ही अच्छी चीज़ पटना में बन करके तैयार हो चुकी है, बस थोड़ा सा वक्त और बाकी है उसके कंप्लीट होने में। हालांकि उसके इनॉग्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन वो पटना के लिए होगी बहुत ज़बरदस्त वाली चीज़। तो थंबनेल और टाइटल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर की। तो आज उसको एक्सपीरियंस करने चलते हैं ना कि आखिर उस पर लगता कैसा है, और ख़ास करके वो वाला पार्ट जब नीचे से एक फ्लाईओवर जाए और ऊपर से उसको इंटरसेक्ट करे तो वो वाली फीलिंग कैसी लगती है ना, आज उसी को देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर अभी तक भाई को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हेलो पटना, एक बार फिर से आपका दोस्त साहेब पटना की सड़कों पर आपके साथ है, और राइड हम लोग की शुरू होने जा रही है बहुत लंबी वाली। उससे पहले आज आखिरी ब्लॉग है पटना में, इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो सोचा क्यों ना पटना में कुछ अच्छा दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग हैं गोलघर के पास। यार सनसेट हो चुका है और सनसेट से पहले हम लोग को उस जगह पर पहुंचना था। आई होप कि हम लोग पहुंच जाएंगे और शॉट मिल जाएगा। यार पटना में ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप कहीं पे भी टाइम पे पहुंच नहीं पाते हो। और ये वाला जो फ्लाईओवर है ना, इसका फील ही अलग आता है भाई। अभी हम लोग दीघा पहुंचने वाले हैं और दीघा से पहले ये जो फ्लाईओवर पड़ता है इसका जो है कि जवाब नहीं है भाई, इतना खूबसूरत है ये। बहुत छोटा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेंट माइकल हाई स्कूल की यादें जो है वो कभी नहीं भूलती हैं। बहुत ही पुराना रिश्ता है भाई यहाँ से। भाई बारिश आएगी क्या यार? बादल फिर से छा रहा है पूरे आसमान में। बस यार बारिश नहीं है, प्लीज 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 बारिश नहीं है यार। ये कैसा साउंड है, डर गया मैं तो अचानक से इस तरह का साउंड आया तो। भैया आपकी गाड़ी आवाज कर रही है। हाँ, ये क्या ब्रेक है क्या? ये ब्रेक लग रहा है ना। हम लोग यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि ये ऑफ रोडिंग। और ये ऑफ रोडिंग पता है कहाँ से हो रही है? आर ब्लॉक दिघा वाला जो रोड बनने वाला है ना, यहीं से बनने वाला है। यहाँ पर जो है आपका जो टायर है वो बहुत स्लिप करता है, और इस स्लिपरी टायर से बचने के लिए आपको आराम आराम से चलना है और अगला ब्रेक नहीं लेना है। ओए होए, आराम से, कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड हो गया भाई। सामने से एक ट्रेन गुजरती है। एक्चुअल में ये जेपी सेतु का जो रेलवे लाइन है वो यही वाला। अभी ट्रेन अगर आ जाती तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन पहले ये तो क्रॉस कर ले हम लोग। कहीं पर अगर पैर रख दिया भाई तो गए। टू मच हो गया यार ये तो। आई डोंट थिंक, मेरे को लग रहा आगे बंद है क्या। भैया गाड़ी निकल जाएगा। ओह भाई ये तो और भी ज्यादा होता जा रहा है। चलो 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 चलो, अभी एक और ये भी पार करना है इसको। निकल गया भाई, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या हुआ है। ये हमारी गाड़ी वहां से निकली और ऐसे यहाँ से पूरा टायर धंसते हुए इधर आया है। पर गाड़ी किधर से जाएगी? जैसा गाड़ी निकल जाएगा ऐसे भाई, बस फंसे नहीं है तो बालू ही बात। उधर से आगे धंस जाएगा, निकल जाएगा क्या? वो देखो भाई कैसे जा रहा है, निकल जाएगा हमारा भी यार। चलो यार थैंक, हैं आराम आराम से। हाँ अभी काफ़ी शाम हो चुकी है और ये भाई फंस गए। क्या लगता है निकल जाएगी क्या? पक्का? चलो यार बेस्ट ऑफ लक। चलो यार ओह बहुत टफ था यार। पल के लिए अपने को लगा कि आज तो भाई फंसने वाले हैं,
और अगर फंस जाते वहाँ पर तो बहुत मुश्किल होता निकलना। व्हाट अ फील, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ पटना यार। ऊपर में बादल कितने घने हैं और नीचे ये जो सड़क है ये काफी खूबसूरत लगती है। एक्चुअल में अभी हम लोग दीघा में है और ये वाला फ्लाई ओवर नया वाला बना है। अभी हम लोग जा रहे हैं दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाई ओवर के ऊपर, कोशिश करेंगे कि हम लोग पहुंच जाए वहां पर। और फिर से हमें मिल गया थोड़ा सा ऑफ रोड। अभी शाम हो चुकी है पूरी तरह से, या फिर यूं कहो कि रात हो चुकी है। एंड वी आर राइडिंग ऑन दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाई ओवर। देखते हैं और कहां तक हम लोग राइड कर पाते हैं, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कितना जबरदस्त लग रहा है। और ये सड़क कितनी खूबसूरत बनी है यार। ये 4 लेन होगा, 2 लेन इधर 2 लेन उधर है, दोनों साइड से ही गाड़ियां आ जा सकेंगी। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाईओवर होगा ना ये नॉन स्टॉप होगा, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं होगा, तो काफी ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा वाला लुक आ रहा है। नाउ वी आर राइडिंग ऑन दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर। काफी ज्यादा खूबसूरत वाली फील है यार। भाई इसको अभी कहाँ तक जा सकते हैं, 1-2 किलोमीटर मैं वॉक कर रहा हूँ कहाँ पर पता है आपको, दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर। आप पीछे देखिएगा ना, ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर बन करके तैयार हो चुका है। जब इस पर गाड़ियां दौड़ेंगी यार, सोचिए कि वो क्या फील होगा जब इस पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी। तो हमारा जो चेतक है वो भी देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। भाई जस्ट लुक एट द चेतक यार, क्या ब्यूटी लग रही है ना। और ये है एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर। आप सोचो कि पटना और कितना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा जब ये फ्लाईओवर पूरा जब चालू हो जाएगा, तब ऊपर से जबरदस्त लगेगा। ये पहला फ्लाईओवर है जो इंटरसेक्ट करता है एक फ्लाईओवर के ऊपर से एक और फ्लाईओवर, जो कि आप गोला रोड अगर जाते होंगे तो उस वाले रास्ते में वो फ्लाईओवर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और मैंने आपको एक चीज दिखलाई नहीं ये रियली में हॉरेबल है, सीरियसली हॉरेबल। ये है कि ये देखो ओ भाई कितना ज्यादा गड्ढा है यहाँ पर, नाला है कि अंदर जब आप देख रहे हो ना तो आपको इतना ज्यादा डर लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार। ये जो चांद है बादलों के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन अभी धीरे 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 बादलों से बाहर आ रहा है ना। वो देखिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, यहाँ से कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। पता नहीं शायद आप लोगों को गोप्रो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को साफ दिख रहा है कि कलर जो चेंज हो रहे हैं, इट जस्ट ब्यूटी भाई, जस्ट ब्यूटीफुल रियली। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुक गया हूँ ना क्योंकि आपको ये ब्यूटीफुल सी चीज दिखलाने के लिए मैंने सोचा कि आपको ये वाला खूबसूरती दिखाना जरूरी है। भाई अभी और कहाँ तक है ये, पूरा आगे तक है। वो जो नीचे फ्लाई ओवर इंटरसेक्ट करता मिलेगा। अच्छा मेरे को एक प्यारा सा शॉट चाहिए था, अगर वो मिल गया ना तो कसम से दिल खुश हो जाएगा भाई। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल। मैं इसका ही वेट कर रहा था। और अब देखो ये पटना है, ये पटना गोला रोड के पास वाला जो फ्लाईओवर है वो है, और ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और ये है पटना। यहाँ से निकल रहे हैं। सोचिए कि जब ये फ्लाईओवर चालू हो जाएगा और ऊपर से जब इसका ड्रोन शॉट लिया जाएगा, एक यहाँ पे भी गाड़ियाँ चलेंगी और एक नीचे भी गाड़ियाँ चलेंगी, तो सोचिए कि वो फीलिंग कैसी होगी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो भैया हमारा ब्लॉग में कौन है ये देखिए, तो मैं एक्चुअल में मुजफ्फरपुर से यहाँ पर आया कैमरे लेने के लिए। अभी M50 दोनों भाई के पास सेम कैमरे हो गए, तो अभी ब्लॉग में और ज्यादा मजा आएगा। और हम लोग वहाँ से निकले दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर के बाद, तो सीधा इसी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और अमन एक बार फिर से ब्लॉग में आएगा दे भैया भी, और भैया आया कर दीजिएगा। तो ये चीज है भाई, जबरदस्त वाली फीलिंग है, ब्लॉग में क्वालिटी बहुत मजेदार वाली होगी। तो भैया ब्लॉग तो हो गया शूट और हम लोग आगे घर पर, और घर आने के बाद यार मैं उस पल को बहुत मिस कर रहा था जो पल हम लोग पीछे छोड़ आए थे। और एक चीज और आपने नोटिस की कि जब चेतक के ऊपर मैं राइड कर रहा था तो उसके टैंक पर मेरा इमेज आ रहा था, प्रतिबिंब, समझते हैं ना आप, रिफ्लेक्शन। और वो इतना ज्यादा शाइन इसलिए कर रहा था कि हम लोगों ने इस ब्लॉग शूट करने से पहले उसकी पूरी डिटेलिंग कराई थी और नेक्स्ट लेवल ने उसको डिटेल करके दिया था हमारे प्रवीण भैया, जो कि यार रियली थैंक्स टू प्रवीण भाई आपका यार, कि आपने चेतक को इतना चमका दिया है कि वो ब्लॉग में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बस यही है, दुआ करिए, दुआ कि राइड अच्छी हो और हम लोग सेफली वहाँ से शूट करके वापस पटना आ सके। तो चलिए फिर, आपका भाई साहब अब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।